दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम एक्सेल की शीट में एक फॉर्मूला तैयार करेंगे जो करंट डेट तक किसी भी व्यक्ति की एज के बारे में बताए कि वह कितने वर्ष, कितने मंथ और कितने दिन का है। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने पहले से इसे तैयार करके रखा है। यहाँ पर लिखा है करंट डेट। करंट डेट के आगे डेट जो है इस फॉर्मेट में है, सबसे पहले ईयर लिखी है, फिर मंथ लिखा है, फिर डे लिखा है और उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर जिस भी व्यक्ति को अपनी आयु पता करनी है उसे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसका फॉर्मेट रहेगा, सबसे पहले आपको ईयर डालनी है, फिर मंथ डालना है, फिर डे डालना है और उसके बाद नीचे एज निकल के आएगी। जैसे उदाहरण के लिए 2021 आज की डेट यहाँ पर ली गई है, ये करंट डेट है। इसके लिए यहाँ पे फंक्शन लिया गया है, टुडे फंक्शन लिया है, यहाँ पे मंथ लिया है और यहाँ पे ईयर। यानी जब भी आप एक्सेल ओपन करेंगे तो यहाँ उस दिन की डेट जो है आ जाएगी अपने आप, और डेट ऑफ बर्थ में आपको नीचे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। और जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे नीचे आपका निकल के आएगा आयु। जैसे अभी 2020 का किसी का बर्थ है, 5/8/5/2020 का, तो उसकी आयु क्या बनती है, 1 वर्ष 1 महीना 0 दिन। और इसी प्रकार से जैसे किसी का 2000 का बर्थ है तो उसका 21 वर्ष मंथ, जैसे हम कर देते हैं 9/20/8 महीने 23 दिन। अब दोस्तों ये काम तो कर रहा है, अब इसमें क्या क्या किया गया, कहाँ कहाँ फॉर्मूला लगा है। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, इसे आप देख लें। दोस्तों फॉर्मूला इस प्रकार से है, इस वीडियो में आप इसको बनाना सीख लें। इसका लॉजिक जो है हम अगले वीडियो में फ्लो चार्ट के जरिए समझाएंगे। यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को नोट कर लें या इस शीट को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें, फिर इसे यूज कर लें। और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, उसके बाद यहाँ पर अलग से एक फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, ये माइनस करने के लिए, सीधे नहीं है। अब देखिए मंथ 6 है या 9 है तो यहाँ पे माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कैरी लेना पड़ता है। कैरी लेना है तो 12 मंथ यहाँ से आएंगे, फिर उनको इसमें से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर जो है फिर कैरी के हिसाब से माइनस और प्लस किया जाता है। और यहाँ कोई भी फॉर्मूला नहीं है, बस इन 3 सेल्स में फॉर्मूले लगे हैं और टॉप के 4 सेल्स में आज की डेट के लिए फॉर्मूले लगे हैं। अगर आप आज की डेट के हिसाब से आयु पता करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे रखें, अदरवाइज आप खुद यहाँ डेट डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन से ईयर में आप कितने वर्ष के थे तो आप यहाँ, और कौन से आने वाले ईयर में होंगे वो आप कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको आप दूसरी तरह भी कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि पहले डे आए, फिर मंथ आए, फिर ईयर आए, तो वो भी किया जा सकता है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इन्हीं को मैं अरेंज कर देता हूँ और दूसरी शीट पे आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप इस शीट में देख सकते हैं, सबसे पहले डे है, फिर मंथ है, ईयर है। इस डेट को आप पहचानते हैं तो 8 तारीख 6 मंथ और 2021 आज की डेट है। 15/9/2000 को किसी का बर्थ होता है तो वो आज की डेट में 23/8। फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन लेयर है, लोगों को ये यूज इस प्रकार से करना है। और जो ये वाला ये फॉर्मूला बनाने के लिए आसान है, सबसे पहले आप इस प्रकार से तैयारी करें, उसके बाद आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों शीट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी, आप इनको प्रैक्टिस शीट की तरह एक बार समझ लें, देख लें। आपकी कोई क्वेरी है कि किस प्रकार से क्या हुआ है तो आप इसी वीडियो के कमेंट में आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं और इसके बारे में विस्तार से फ्लो चार्ट के जरिए हम जान सकते हैं किस प्रकार से इसे किया गया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।